बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला अली मुहम्मद व बारिक व सल्लम सलीम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी, बेटा आज हम जो है वो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का टॉपिक जो है वो शुरू कर रहे हैं। दिस टॉपिक इज़ प्रेजेंट ऑन 93 पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक। एनिमल्स लाइक प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेस कॉमन इन एनिमल्स। यानी बहुत थोड़े ऐसे एनिमल्स हैं, स्पेशली जो इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें भी जो है ना, वो जैसे फाइलम पोरीफिरा हमने पढ़ा था, फिर फाइलम प्लैटीहेलमिंथेस है, फाइलम सेलेंट्रेटा, ठीक है ना जी, इनके अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, उसके बाद फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाई जाती। तो इसका मतलब है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाई एवोल्यूशन एक प्रीमेटिव फिनोमिना है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक एडवांस किस्म का फिनोमिना है। तो बाइनरी फिशन, बेटा जी हमने आपको, मैंने सारी डेफिनेशन लिखवाई हुई है फर्स्ट चैप्टर में, बाइनरी फिशन, मल्टीफिल फिशन, बर्डिंग, हाइड्रा में पार्थिनोजेंसिस जो है, टिश्यू कल्चरिंग, क्लोनिंग एंड आइडेंटिकल ट्विन्स आर द कॉमन एसेक्सुअल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला बेटा जी पार्थिनोजेंसिस है द डिवेलपमेंट ऑफ एन एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इन टू एन एम्ब्रियो। The development of an egg without fertilization into an embryo is called parthenogenesis. तो बड़ा जी एग चूंकि एक हैप्लॉइड गैमेट होता है, इसलिए पार्थिनोजेंसिस को हैप्लॉइड पार्थिनोजेंसिस भी कह देते हैं। What is development? बड़ा जी आपको फर्स्ट ईयर चैप्टर वन में एम्ब्रियोलॉजी वाली डेफिनेशन में मैंने डिवेलपमेंट की डेफिनेशन लिखवाई थी। डिवेलपमेंट फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। डिवेलपमेंट क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एन एम्ब्रियो फ्रॉम अ जाइगोट। एक जाइगोट जो है वो डिफरेंट जो है वो डिवेलपमेंटल स्टेजेस से गुजरता है, क्लीवेज जो है, फिर ब्लास्टुलेशन, फिर गैस्ट्रुलेशन और फिर ऑर्गेनोजेंसिस, इस तरह के जो हैं। तो वो एक पूरा जो फिनोमिना है उसको हम ओवरऑल क्या कह देते हैं? डिवेलपमेंट कह देते हैं। अच्छा जी, तो बेटा जी हम पार्थिनोजेंसिस कह रहे थे, इसकी एग्जाम्पल्स आंट्स, देखिए इनवर्टिब्रेट्स ही हैं, आंट्स, आर्थ्रोपॉड्स में बीज, वेस्ट, वेस्ट कहते हैं बेड को, वो पीली पुंडी जो है फिर रही होती है, कई तरह की वेस्ट होती है, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। तो बेटा जी जो है हनी बीज की एग्जांपल है, जिसमें क्या होता है कि जो क्वीन बी होती है ना, मलका मक्खी जिसे कहते हैं, वो अंडे देती है। द क्वीन बी जो है वो जो है हनी बीज मेल्स यानी ड्रोन्स डिवेल्प फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो किसमें? ड्रोन्स में, मेल बीज में तब्दील हो जाते हैं। तो द क्वीन बी दो कैरिंग मेल गैमेट्स, उसके अंदर मेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पहुंचते हैं, लेकिन उन मेल गैमेट्स को एक वेजिकल के अंदर एक सैक लाइक पाउच में बंद कर लेती है, ठीक है ना जी, फ्रॉम मेल एज द एबिलिटी टू ले एग्स दैट हैज नॉट बिन फर्टिलाइज। द स्पर्म शी रिसीव्स फ्रॉम ड्रोन बी आर स्टोर्ड इन पाउच, उसको एक थैली में बंद कर लेती है और उस पाउच को जो है एक वॉल्व से बंद कर देती है। तो द एग मे बी फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो जायगोट बन जाएगा, और जायगोट से फिर क्या बनेगी? फीमेल बी बनेगी। ये आपको मैंने चैप्टर 22 जेनेटिक्स में भी, क्योंकि जो फीमेल बी होती है ना उसमें क्रोमोसोम्स डबल होते हैं, जो मेल बीज होते हैं उनमें क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, यानी ये ड्रोन्स होते ही हैप्लॉइड है, ठीक है ना जी, और जबकि जो बी फीमेल बीज होती हैं वो होती ही क्या हैं? डिप्लॉइड हैं। इनमें सेक्सुअल डिफरेंस ही ये है। अच्छा जी, तो द एग्स मे बी फर्टिलाइज एंड मे नॉट फर्टिलाइज फ्रॉम द स्टोर्ड स्पर्म। द हैप्लॉइड एग डिवेल्प इनटू, ये हैप्लॉइड एग जो है वो हैप्लॉइड में तब्दील हो जाएगा, डिवेल्प इनटू ऑफ स्प्रिंग, इट इज कॉल्ड हैप्लॉइड पार्थिनोजेंसिस, इसको हैप्लॉइड पार्थिनोजेंसिस। डिप्लॉइड पार्थिनोजेंसिस इन सम केसेस, एग्जाम्पल गिवन इन एफर्ट्स, एफर्ट्स भी एक आर्थ्रोपोड्स में से इंसेक्ट्स हैं, अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो फ्लूड फीडर्स जो है वो पढ़े थे, तो वो वाले एफर्ट्स, ठीक हो गया ना जी। डिप्लॉइड पार्थिनोजेंसिस में अगर इन विच एग प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ द फीमेल अंडरगो अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मियोसिस। जो एग है, एग मदर सेल जिसने मियोसिस से डिवाइड करके एग्स पैदा करने हैं, उसमें एक रॉन्ग किस्म की मियोटिक एरर आ जाता है, उस मियोटिक एरर को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो जिसके नतीजे में दे रिटेन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो डॉटर सेल्स हैं उनमें एक डॉटर सेल जो होगा उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जीरो होगी, और दूसरा जो डॉटर सेल होगा
उसमें क्या हो गए, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हालांकि मियोसिस से बना है तो डाटा सेल्स को हम गैमेट्स कहेंगे, लेकिन ये एक ऐसा हैप्लॉयड गैमेट है जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी नहीं है बल्कि पूरी है, डिप्लॉयड है। तो एग डिप्लॉयड डेवलप्स इनटू यंग फीमेल्स। तो बेटा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिख दी है आपकी किताब में, नहीं, एबनॉर्मली फॉर्म्ड फीमेल गैमेट यानी डिप्लॉयड एग, एबनॉर्मली फॉर्म्ड फीमेल गैमेट यानी डिप्लॉयड एग ड्यू टू टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। किसकी वजह से? टोटल नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स डेवलप्स इनटू, ये अबनॉर्मली डेवलप्ड या डिप्लॉयड एग डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बगैर फर्टिलाइजेशन के, इज कॉल्ड डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, एग्जांपल गिवन एफर्ट। बेटा जी नॉन डिसजंक्शन क्या है, उसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है, फेलियर इन सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिड्स। फेलियर नाकाम होना, सेपरेशन तकसीम होने में, अलहदा होने में, क्रोमोसोम्स आर क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस, एनाफेज ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड नॉन डिसजंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, नॉन डिसजंक्शन। सिंगल नॉन डिसजंक्शन में एक क्रोमोसोम का पेयर जो है वो नॉर्मली डिवाइड होता है, जबकि टोटल नॉन डिसजंक्शन में सारे के सारे ऐसा होते हैं, तो जिसके नतीजे में एज रिजल्ट डॉटर सेल्स गेट अनइक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन देयर न्यूक्लियाई। तो एक डॉटर सेल्स जो है उनके न्यूक्लियाई में क्रोमोसोम्स की तादाद फिर एक जैसी नहीं होती, बल्कि एक में ज्यादा होती है या एक में कम, या सारे के सारे एक क्रोमोसोम, टोटल नॉन डिसजंक्शन में सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक तरफ चले जाएंगे, दूसरे डॉटर सेल के हिस्से में जीरो क्रोमोसोम होंगे। तो वही होगा, तो वो गैमेट क्योंकि वो मियोसिस से पैदा हुआ, लेकिन बगैर फर्टिलाइजेशन के अगर वो एम्ब्रियो में तब्दील होता है, डेवलप कर जाता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। बड़े येलो बॉक्स को पढ़िएगा, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है फर्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर 18 के जो है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स वन फॉर्म ऑफ पार्थेनोजेनेसिस कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये असल में डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस ही है, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस इन प्लांट्स इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, ठीक है ना जी। तो इनमें से डिप्लॉयड सेल ऑफ द ओव्यूल, एग नहीं, जाइगोट नहीं, बल्कि उसके इर्द गिर्द पाए जाने वाला कोई और सोमैटिक डिप्लॉयड सेल जो है और मेगास्पोर डेवलप इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो, असल एम्ब्रियो नहीं, एम्ब्रियो की तरह बिहेव करने वाला फंक्शनल एम्ब्रियो में, इन द एब्सेंस ऑफ ए मेल गैमेट यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो डेवलप्स इनटू सीड और द रेस्ट ऑफ द ओव्यूल डेवलप्स इनटू ओव्यूल फर्ट जो है वो सीड में तब्दील हो जाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट में तब्दील हो जाएगी। इस अमल को क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। मैंने शॉर्ट कर दिया डेवलपमेंट ऑफ डिप्लॉयड सेल इन प्लांट्स अदर देन जायगोट इनटू फंक्शनल एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। अब बेटा जी अगला जो है वो आपका टॉपिक शुरू होता है टिश्यू कल्चरिंग एंड क्लोनिंग। तो जरा देखते जाएं, पहले जो है वो टिश्यू कल्चरिंग की डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है, टिश्यू कल्चरिंग एसेक्स रिप्रोडक्शन टेक्निक टू डेवलप एन ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ पीस ऑफ टिश्यू। एक पीस ऑफ टिश्यू से एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्निक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर मुश्तमिल की बुनियाद पर होने वाली टेक्निक टू डेवलप, पैदा करने के लिए एन ऑर्गन, एक ऑर्गन और होल ऑर्गेनिज्म, पूरा ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ पीस ऑफ टिश्यू, एक पीस ऑफ टिश्यू से इज कॉल्ड टिश्यू कल्चरिंग। और जबकि क्लोनिंग क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल से जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को पैदा करना बाय सब कल्चरिंग द सेल, उन सेल को सब कल्चर करते हुए यानी उनके उन एक सेल से पहले और सेल्स बनाएंगे, फिर उन सेल्स के अलग-अलग उन सेल्स को अलहदा करके फिर उनसे और एम्ब्रियोज बनाएंगे, इसको सब कल्चरिंग कहते हैं, इज कॉल्ड क्लोनिंग, इज कॉल्ड क्लोनिंग। तो ये डेफिनेशन बेटा जी जो इस चैप्टर में थी वो मैंने अलहदा इस टॉपिक में थी वो अलहदा लिख दी हैं। अब जरा टॉपिक की तरफ आ जाएं, जो है टिश्यू कल्चरिंग प्लांट्स में होती है और क्लोनिंग जो है वो एनिमल्स में होती है। बेसिकली टिश्यू कल्चरिंग जो है वो क्लोनिंग की एक टाइप है, क्लोनिंग कई तरह से की जाती है, ठीक है, फर्स्ट ईयर में चैप्टर वन में मैंने आपको सिखाया भी हुआ है। तो क्लोनिंग कई तरह से की जाती है, प्लांट्स में जो क्लोनिंग है उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो क्या है, टिश्यू कल्चरिंग है। तो याद रखना है टिश्यू कल्चरिंग क्लोनिंग की एक किस्म है। टिश्यू कल्चरिंग इन प्लांट्स जो है बेटा किस तरह से की जाती है, इन टिश्यू कल्चरिंग प्रोसीजर एक छोटा सा बताया जा रहा है, ये क्या है, ये सारी लाइन्स किसकी हैं, इसका आप हेडिंग क्या बना सकते हैं, प्रोसीजर बना सकते हैं। तो जो है इन टिश्यू कल्चरिंग इन प्लांट्स कैम्बियम टिश्यू, प्लांट्स के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम होता है या रूट मेरी एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है ना,
एक्साइज फ्रॉम जो है वास्कुलर कैम्बियम भी ले ली जाती है, कट फ्रॉम एक्साइज का मतलब कट फ्रॉम प्लांट्स एंड कैन बी स्टिमुलेटेड, फिर उस टिश्यू के ऊपर जो है उसमें उसको स्टिमुलेट किया जाता है सेल डिवीजन को बाय द एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स अमीनो एसिड ग्लूकोज, ठीक है ना जी, साइटोकाइन एंड IAA, ये सारे ग्रोथ प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं दीज, तो जिसके नतीजे में सेल डिवाइड करते हैं एंड शो कंटिन्यूड ग्रोथ, यानी वो अपनी ग्रोथ करते हैं, उसमें सेल डिवीजन होती है, इलांगेशन होती है, मेच्योरेशन होती है, डिफरेंशिएशन होती है, ये डेवलपमेंट के फेजेस हैं किसके, प्लांट्स के, और इस तरह से एक नए प्लांट्स बन जाते हैं, उन नए प्लांट्स को जो है वो उस कैलस से, देखो वो जो पीस ऑफ टिश्यू होगा ना वो पहले कैलस बनाएगा, क्या बनाएगा, कैलस बनाएगा, फिर कैलस के अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाते हैं जो है वो शूट और रूट बनना शुरू हो जाते हैं, तो ये यानी कि क्या बन गया, प्लांट बन गया, तो उस प्लांट को जब वो कैलस से उतारते रहते हैं और फिर वो चैप्टर 23 में हम आपको टिश्यू कल्चरिंग के चार तरीके पढ़ाएंगे प्लांट्स के अंदर। टिश्यू कल्चरिंग इज नाउ वाइडली यूज फॉर, इसके बड़ा जी बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स आ गए, दूसरा पैराग्राफ, टिश्यू कल्चरिंग इज नाउ वाइडली यूज फॉर रैपिड प्रोपिगेशन रिप्रोडक्शन, ठीक है ना जी, ऑफ डिजायरेबल वराइटीज, मिर्चे, टमाटर, खीरे, ठीक है ना जी, चावल जो है, फॉर वराइटीज ऑफ डिफिकल्ट टू प्रोपिगेट बाई कटिंग्स, जिनको हम कटिंग्स के जरिए से, जैसे गुलाब की कलमें काट काट के हम लगा लेते हैं, लेकिन टमाटर की कलमें तो नहीं लगाई जा सकती, मिर्चों की कलमें, इनकी तो पनीरियाँ लगाई जाती हैं, वो पनीरियाँ, वो सीडलिंग्स टिश्यू कल्चरिंग से पैदा किए जाते हैं, ठीक है ना जी। सिमिलर टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर टिश्यू कल्चर ऑफ एनिमल सेल्स, तो बड़ा जब क्लोनिंग इन एनिमल्स आ गई है तो देखें जी, पहले इसका भी एक छोटा सा प्रोसीजर बयान किया जा रहा है आपको, फर्स्ट ईयर में मैंने बड़ी डिटेल से पढ़ाया हुआ है फर्स्ट चैप्टर के अंदर, क्या करना है, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए सिंगल सेल बाय सब कल्चरिंग आर कॉल्ड क्लोन्स, तो इन एनिमल्स एंड स्पेशली अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स की अगर क्लोनिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ता है, ए न्यूक्लियस फ्रॉम द सोमैटिक सेल इज रिमूव्ड, डोनर जो भी वर्टिब्रेट जो है डन, उसके सोमैटिक सेल से एक न्यूक्लियस पहले रिमूव किया जाता है और उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ए न्यूक्लिएटेड एग या जायगोट में, जो उस एग का जो न्यूक्लियस है उसको अल्ट्रासोनिक वेव्स या एक्सरेज के जरिए से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है इनटू एग सेल हुज ओन न्यूक्लियस, जिसका अपना न्यूक्लियस जो वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया, तो ऐसे को क्या, ए फॉर एब्सेंट, ए न्यूक्लिएटेड एग ऐसा एग जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट और वो डिस्ट्रॉय किया जाता है, उसमें हमने डोनर का न्यूक्लियस जो इंट्रोड्यूस कर देना है, तो नतीजे तक क्या बन जाएगा, देखें ये एक सोमैटिक सेल है, इसमें से मैंने सिर्फ क्या निकाल लिया है, न्यूक्लियस निकाल लिया है, ये एक एग है हैप्लॉयड, इसका न्यूक्लियस जो है वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब ये क्या बन गया है, ए न्यूक्लिएटेड एग बन गया है, तो ये हमने इसमें लगा देना, तो लगाने के बाद अब ये जो हमारे पास बन जाएगा, इसे हम क्या कह रहे हैं, अल्टर्ड जायगोट, इस अल्टर्ड जायगोट को हमने मदर फॉर्म में लगा देना है, प्लेस्ड इन यूट्रस, रहम मादा, माँ का पेट, बच्चा दानी, उसमें लगा देना है, तो वहां पे जो है वो अपने आप को डेवलप करेगा एक मुकम्मल एम्ब्रियो में, बिल्कुल 19 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में से गुजरेगा, जिससे नॉर्मल जो है वो एक एनिमल गुजरता है, यानी सेक्सो रिप्रोडक्शन की तरह, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास क्लोन बन जाएगा। तो बड़ा जी बेनिफिट्स ऑफ क्लोनिंग, क्लोनिंग और डिजायरेबल एनिमल सच एज, पेज 94 पे सेकंड पैराग्राफ, क्लोनिंग और डिजायरेबल एनिमल सच एज प्राइस बोल्स, ये क्लोनिंग ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स हैविंग डिजायरेबल करेक्टर्स, तो ये हेडिंग बना सकते हैं, प्राइस बोल्स रेस हॉर्सेज माइट बी अ यूजफुल क्लोनिंग फॉर यूजफुल वराइटीज ऑफ प्लांट्स जो है। तो बड़ा जी इसका डीमेरिट्स भी हैं, वो मैं आपको बाद में लिखवाता हूं, आप ये वाला पैराग्राफ छोड़ दें, डीमेरिट्स ऑफ क्लोनिंग, ठीक हो गया ना, इसको तीसरे पैराग्राफ को छोड़ के अगले पैराग्राफ में आ जाए, सेकंड पॉइंट, द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स ड्रग्स एंटीबॉडीज टू बी मेड ऑन सेल्स, तो हम क्लोनिंग से जो एक मैस ऑफ सेल्स जो बनाते हैं उसके ऊपर जो वो हार्मोन्स को एंटीबॉडीज को वगैरह को ट्राई करके आजमा सकते हैं कि वो क्या वहाँ पे दे उनके कोई साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। सच अ टेक्निक इज यूजफुल सब्सिट्यूट, मतबादल है, देखें बजाय इसके कि मैं एक मेडिसिन बनाऊँ और बना के उसका एक इंजेक्शन बना के एक इंसान को लगा दूँ लो जी और उससे वो इंसान मर जाए, तो ये गलत तरीका कार है ना अपनी मेडिसिन को ट्राई करने का कि ये सही है या नहीं है, तो भाई
इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए जो है हम मतबादल होना चाहिए। तो वो मतबादल कौन है? यूजफुल सब्सिट्यूट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, मेकअप की चीज़ें कि वो एलर्जी तो नहीं करती, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, फार्मेसी, मेडिसन जो है उनकी, तो ऑन एनिमल सेल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से मराद मेडिसन, ऑन एनिमल सेल्स विदाउट एक्सपोजिंग लेबोरेटरी एनिमल्स टू दीज केमिकल्स। बेटा जी अब इसका एक जो है डीमेरिट शुरू हो गया, तो पहला डीमेरिट जो है वो ह्यूमन क्लोनिंग, फिर वही ऊपर सेकंड पैराग्राफ को पढ़ें तो ह्यूमन क्लोनिंग जो है उसके ऊपर, हाउएवर द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक टू ह्यूमन वुड बी ए टू ओपन टू सीरियस नॉर्मल क्वेश्चन थ्योरेटिकली, यानी बाय कंसेप्ट जो है हम ह्यूमन क्लोन बना सकते हैं, जेनेटिक आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ सेम मैन और वुमेन माइट बी मेड, लेकिन इसके सोशल एंड मॉरल जो है वो इश्यूज हैं। नंबर टू पे बड़ा जी जो है वो क्या है जी, नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, क्लोनिंग जो है वो नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स यानी वराइटीज पैदा करती है जो कि किसी भी इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स को जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, उसके उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस का एक जैसा, अगर उस क्लोन्स का एक इंडिविजुअल मरता है तो सारे मरेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनका बिहेवियर एक जैसा है, वो जेनेटिकली एक जैसे जो हैं तो इसलिए वो सारे एक जैसा ही रिस्पॉन्स शो करेंगे। तो क्लोनिंग हैज द एडवांटेज दैट ऑल द ऑफस्प्रिंग्स बिहेव सिमिलरली, बट शुड एन एनवायरमेंटल हैजर्ड, कोई भी माहौलियाती दबाव, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, वबा का फैल जाना, ब्रेकडाउन ऑफ एपिडेमिक जो है किसी बीमारी का फैलना, ठीक हो गया, जैसे बर्ड फ्लू पोल्ट्री वालों में हो जाता है, तो बेटा जी नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रेन आर प्रेजेंट टू लेसन द इफेक्ट्स, ये नॉन रेजिस्टेंट स्ट्रेन जो है वो उस इम्पैक्ट को लेस नहीं कर सकते, ठीक हो गया ना जी। आल्सो द डिग्री टू विच एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस क्लोन डेवलप इज नॉट फुली नोन, ठीक है ना जी, कि उस एनवायरमेंट का क्लोन के ऊपर कितना असर होगा वो भी हमें नहीं पता होता। दूसरा बेटा, तीसरा जो है डिसएडवांटेज वो क्या है कि देयर क्लोन सेल्स वुड हैव टू ग्रो थ्रू क्लोनिंग क्लोन डेवलपमेंट टेक प्लेस थ्रू ऑल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की तमाम स्टेजेस के जरिए से होती है, यानी वो जो अल्टर जायगोट है उसको पहले जो है वो फीटस में, तब एम्ब्रियो, फिर फीटस, फिर बेबी, फिर चाइल्ड, फिर जाके वो एक मुकम्मल इंडिविजुअल, अडल्ट इंडिविजुअल में तब्दील होगा, तब वो हमारे किसी काम को होगा। तो ऐसा इसलिए यानी हमें टाइम का इंतज़ार करना पड़ेगा अपने क्लोन से कोई बेनिफिट्स हासिल करने के लिए जो है एक जायगोट बनाने के बाद, हालांकि जायगोट जो हमने बना लिया वो क्लोन ही है, अल्टर जायगोट क्लोन ही है वो उस डोनर का जिसका हमने न्यूक्लियस इस्तेमाल किया, लेकिन हमें इंतज़ार करना पड़ेगा वो जब एक मुकम्मल इंडिविजुअल में तब्दील हो, तो इसलिए एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पर पूछें, अल्लाह ताला हम सब का आमीन आसर आमीन, शुक्रिया।